दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के महामुकाबले की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भारत को चेतावनी देते हुए पहले ही बता दिया कि ये मुकाबला भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इस मुकाबले से पहले ही ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस में कुछ ऐसा कर दिया कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस में क्या किया ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ 18 जून से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के एजिस बाउल स्टेडियम में खेलना है। दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम पहले ही घोषित कर दी थी, जो कि इंग्लैंड भी पहुंच चुकी है। इंग्लैंड में कुछ दिन क्वारंटाइन रहने के बाद अब खिलाड़ियों ने पूरी तरह से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो भारतीय टीम के ऊपर थोड़ा दबाव जरूर होगा, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली न्यूजीलैंड के हाथों करारी हार से भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई थी और जिसका दर्द आज भी भारतीय टीम अपने सीने में लिए बैठी है। उसके साथ ही जब आखिरी बार भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था तो न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से मात दी थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम अब पुराने हिसाब किताब को चुकता करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये फाइनल मुकाबला किसी सोने पर सुहागे से कम नहीं है और ऋषभ पंत ने इस फाइनल मुकाबले से पहले ही प्रैक्टिस के दौरान अपनी बल्लेबाजी से रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी अपना मुरीद बना लिया। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं ऋषभ पंत अपनी तेज बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और प्रैक्टिस के दौरान भी वो कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे गए। ऋषभ पंत कदमों का उपयोग करते हुए कई बड़े शॉट्स लगाते हैं, उन्होंने एक के बाद एक हवाई शॉट लगाए, जिसको देखने के बाद टीम के हेड कोच रवि शास्त्री भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर फाइनल मुकाबले में केएल राहुल और ऋषभ पंत में किसको खिलाया जाना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए। ऋषभ पंत ने 49 गेंदों में ही 93 रनों की पारी खेल डाली, जिसमें 9 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दोस्तों ऋषभ पंत इस फाइनल मुकाबले से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए कि ऋषभ पंत का बल्ला जम कर फाइनल मुकाबले में आग उगलने वाला है। उनके सामने भारतीय टीम के सभी गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए, लेकिन वैसे तो ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए एक बेहतरीन विकल्प दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं और उनसे टीम मैनेजमेंट को काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं के मुंह से उस सीरीज को छीन लिया था और अब एक बार फिर से ऋषभ पंत कुछ उसी अंदाज में दिख रहे हैं जो कि भारतीय टीम की मजबूती को दोगुना कर देता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि होने वाले फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।